नमस्कार दोस्तों, महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ श्री जयराम विद्यापीठ, जो कि ब्रह्म सरोवर के ठीक सामने ही बना है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म सरोवर घूमने के लिए आ रहे हैं तो साथ के साथ आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह के टाइम ब्रह्म सरोवर पहुँच गए थे तो काफी सारा हमने सुबह के समय घूम लिया। इसके बाद हमें पता चला कि शाम को यहाँ पर एक भव्य आरती होती है, तो हमारे पास कुछ समय बचा हुआ था तो हमने सोचा श्री जयराम विद्यापीठ भी घूम लिया जाए। जैसे कि आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा, विद्यापीठ का अर्थ होता है यहाँ पर विद्या का अध्ययन कराया जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत पाठशाला चलती है जिसमें वेदों और पुराणों का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्फटिक शिवलिंग विराजमान है और साथ में आपको वैष्णो देवी गुफा के भी दर्शन होंगे। दोस्तों सामने आपको स्फटिक शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। यहां पर कुछ दोस्तों महाभारत की झांकियां भी प्रदर्शित की गई हैं। जैसे कि आपको सामने का हॉल नजर आ रहा है, इसमें आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। अब हम आपको दर्शन कराते हैं माँ वैष्णो देवी गुफा के, साथ में यहाँ पर महाभारत की गैलरी भी बनी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 10 रुपए का टिकट लेना पड़ता है महाभारत गैलरी और साथ में वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करने के लिए। और हाँ दोस्तों, माँ वैष्णो देवी गुफा के साथ साथ आपको यहाँ पर गुफा में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। All right.
आखिरी में भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग निकलते हैं गुफा के बाहर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो और ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम आपको ज्योतिषर लेकर चलने वाले हैं, जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।